बाबा परीक्षा ले रहे हैं, समझे, बाबा परीक्षा ले रहे हैं कि तुम लोग देखने आते हो कि नहीं आते हो। तो अपना कुछ दुख दर्द है जी, चल के खाटू बाबा को जो है वो शेयर किया जाएगा और साथ में आई है परेशानियाँ। और कई बार सोचता था कि हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, हमने तो कुछ नहीं किया इस तरह का। खाटू बाबा है, बस खाटू बाबा का अपना लीला रहता है, सारा लीला बस चल रहा होता है। गाड़ी पीछे पार्किंग में लगी हुई है, तो चल करके चेक इन करते हैं। तो हम लोग चलते हैं जी, और आज जो है हम लोग चलेंगे खाटू बाबा के दर्शन करने के लिए। सारा सामान सब भी पैक है। अभी जो है हम लोग अनुना है और उसके बाद जो है नहा भी लिए हैं और सीधा चलेंगे मंदिर में, वहाँ दर्शन करके उसी के बाद अपनी पेट पूजा होगी। तो हम लोग जी दौड़ते भागते हुए पहुँच गए हैं यहाँ पर। आप सोच रहे होंगे दौड़े भागे क्यों, तैयार हो चुके हैं और जा रहे हैं बाबा की नगरी जो है हारे का सहारा। तो बहुत टाइम से मेरा मन था जाने का, तो हम लोग स्पेशली दिल्ली जो आए हैं खाटू श्याम जाने के लिए आए हैं। मेरा बहुत टाइम से मन था कि चलेंगे, तो हम सभी चल रहे हैं। पूजा को भी मैं साथ लेके चल रही हूँ। पूजा को हमने वृंदावन भी घुमाया था और इस बार मैं खाटू श्याम भी घुमाऊंगी, है ना। मैं बहुत टाइम से कर रही थी वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, तो वृंदावन घूम गए। अब तुमको ले जाना है खाटू श्याम, मैं सोचा रहा कोई बात नहीं, देख लेंगे अभी। बाकी चलते हैं, क्रियांश जो है परेशान कर दिया है निकलने के लिए, सारा कपड़ा लेके जा रही है। अच्छा तो बताओ, मेरा वो कपड़ा उसमें है तो मैं कैसे लेके जाऊं? एक दो ले लेती जो मन ले रहा होता, बट इधर ही रह जाना लगता है बाबा के लिए, उधर ही रह जाएंगे। है 24 मंजिल पे ना उतर दी। बाकी हमारी इधर मम्मी है, लिफ्ट खराब हो गया है, 24 मंजिल उतरने की सोच रहा है। आपको लग रहा है कि हमारी बहू सब उतर पाएगी? हम तो बिल्कुल नहीं उतरेंगे, खड़ी ये लोग उतर के जाए तो चलते मम्मी आएंगे फिर। हाँ तुम लोग आना आराम से, ठीक है। चलिए चल शिवू, यहाँ पे जो है हमारी लिफ्ट ही बंद हो गई है, तो हम लोग कैसे जाएंगे? बाबा परीक्षा ले रहे हैं, समझे, बाबा परीक्षा ले रहे हैं कि तुम लोग देखने आते हो कि नहीं आते हो। चप्पल उठाओ हाथ में। हाँ मैं उतर जाऊंगी, मैंने बोला कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे जाना है। बाबा हो गिरा जब भूकंप आता था, हम उतरते है ना 24 फ्लोर, वो भी ओरियो को लेके सोचो जब भूकंप आता है तो दीदी उतरती है कि नहीं? सोचिए भूकंप आ गया और उतर जाइए। भैया दीदी को भूकंप आता है तो लिफ्ट काम नहीं करता है, पैदल उतरना पड़ता है। सोचिए चलो। तो हम लोग जी गाड़ी में बैठे हुए हैं और अच्छा खासा किलोमीटर चल भी लिए हैं, और यह है पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, तो यहाँ पर जो आपको स्पीड लिमिट दिया गया है 120 किलोमीटर का, तो अच्छा है जी, एकदम जल्दी जल्दी हम लोग जो है वहाँ पर पहुँच भी जाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है जी खाटू बाबा के पास जाने के लिए। खाटू बाबा के जी हम लोग कितने बड़े भक्त हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर होंगे, जो भी पहले से वीडियो देखते आ रहे होंगे, उनको पता होगा कि एक बार हम खाटू बाबा का जो मंदिर होता है, जो मुख्य मंदिर है डिंगस में, वहाँ जा चुके हैं और अभी हम दूसरी बार जा रहे हैं। और हमारे घर के आसपास जो है कटिहार और पूर्णिया का खाटू बाबा का मंदिर, हम लोग वहाँ भी जरूर जाते हैं, पूरे परिवार को लेकर के जाते हैं। तो अपना कुछ दुख दर्द है जी, चल के खाटू बाबा को जो है वो शेयर किया जाएगा और साथ में कुछ कुछ अच्छी बातें हैं जिसके लिए खाटू बाबा को धन्यवाद भी करना है। उनकी कृपा के बगैर जो है यह सब हो नहीं सकता था। कई बार जिंदगी में जी आई है परेशानियाँ, और कई बार सोचता था कि हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, हमने तो कुछ नहीं किया इस तरह का, लेकिन नहीं कहते, खाटू बाबा है, बस खाटू बाबा का अपना लीला रहता है, सारा लीला बस चल रहा होता है। A few moments later. तो अभी हम लोग थोड़ा सा रेस्ट ले लिए और यहाँ पे आ गए खाना खाने के लिए। अभी आप क्या खाए? ये अभी हम खाए हुए हैं यहाँ का राज कचौरी, बिल्कुल हल्दीराम जैसा टेस्ट दे रहा है। और जैसे ही राजस्थान आते हैं, चाट कचौरी ये सब बस तुरंत दिमाग में आ जाता है, तो सोचा कि यही चीज यहाँ पर ऑर्डर किया जाए। तो सच में जी जैसा सोचा था, वैसे इनको राज कचौरी बहुत अच्छा लगता है, हल्दीराम का यहाँ का टेस्ट कैसा लगा? हल्दीराम टाइप का ही है। हाँ और जो छोला भटूरा है वो भी मस्त हल्दीराम टाइप से। तो ये कह रहे हैं मुझे कि तुम छोला भटूरा ऑर्डर कर लो, मुझे पता है क्योंकि मैं ऑर्डर करूँगी ये खाएंगे, इनको पता है मैं पूरा नहीं खा पाऊंगी। कोई बात नहीं, तो चलो जल्दी से लगाया जाए। तो फिलहाल हम लोग जी आ गए हैं जी श्री खाटू श्याम मंदिर का जो दरबार है, मेन एंट्रेंस है, वहाँ पर हम लोग हैं। हाँ यहीं से 10 किलोमीटर है। हाँ हाँ तो यहीं से पैदल यात्रा करते हैं लोग। हाँ पैदल यात्रा, तो यहाँ से सभी पैदल यात्रा करते हैं, जिनकी भी मन्नत होती है भगवान पूरा करते हैं। आगे मिलता है झंडा सब मिलता है, निशान सब मिलता है। यहाँ से है बस 10 किलोमीटर।
तो खजान वहाँ से जो है हमारा सोए हुए, तो यहाँ से फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं होटल, और कल हम लोग चलेंगे यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो फाइनली हम पहुँच गए थे खाटू, और पीछे हमारा होटल श्री श्याम। तो गाड़ी पीछे पार्किंग में लगी हुई है, तो चल करके चेक इन करते हैं। लेकिन थोड़ा सा मंदिर से अंदर है, कॉलोनी में है, लेकिन पार्किंग सब जो है थोड़ा अच्छे से मिल गया है, और होटल भी बाहर से तो अच्छा लग रहा है, अंदर से देखते हैं कैसे। तो हम लोग पहुंच गए होटल, और होटल के बारे में इन लोगों ने इतना अफवाह फैलाया, और मिला है इतना मस्त होटल मिला है हम लोगों को। अभी अंदर नहीं गए बाबू, अंदर देख के आए इन लोग, बहुत अच्छा होटल है। चल बेटा, ये टॉय नहीं छोड़ेगा ये। तो इन लोगों ने इतना अफवाह फैलाया कि पता नहीं कैसा होटल हो। इसको मेरा भला कुछ ज्यादा पसंद नहीं। तो हमारा बेटा शिवू, चलिए ना अंदर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं होटल, और होटल का नाम है श्री श्याम। तो श्याम की नगरी आए हैं, होटल भी श्याम बाबा के अंदर आए, होटल भी हम लोग श्याम बाबा के ही आए हैं। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा है होटल। और ये है हमारा रिसेप्शन एरिया। तो यहाँ का चेकआउट है 12 बजे। तो चलते हैं, ये है हमारा लिफ्ट। आओ जल्दी, रोक के रखे तुम्हारे लिए लिफ्ट। शिवू, रोक के रखे लिफ्ट, जल्दी आओ, जल्दी आओ। होटल काफी अच्छा लग रहा है बाहर से, अंदर कैसा था? अंदर आओगी तब ना बंद होगा बुआ। राधे राधे करो शिवू, साइड होके रहो, देखो चल रहा है। चलो, बहुत ज्यादा खुश है। तो हमारा रूम है तुम्हारे लिए स्पेशल, तुम्हारे पति एक रूम लिया है, टेंशन मत लो। तो ये है हमारा रूम 103। वाह, इतना सुंदर रूम है, बहुत सुंदर रूम है। तो हमने पहले ये बेड ले लिया, ये मैं बेड लेने वाली हूँ क्योंकि हमारा बेटा गिर जाता है बार बार। गुड मॉर्निंग आप सभी को, हम लोग रात में आए, खाना पीना खा करके सो गए, और यहाँ पे क्रियांश जो है क्या कर रहा है। क्रियांश हाय करो। क्रियांश हाय नहीं करेगा, ये नहीं करेगा क्या? वो ये कह रहा है ना टीवी चलाने को, तो हमेशा इसको टीवी ही देखना रहता है, टीवी चलाओ टीवी चलाओ। और शिवू भी उठ गया है, इधर पति देव उठ के बैठे हुए, तो अब जल्दी से रेडी उडी हो जाएगी। चलते हैं जल्दी से, चल करके नहाएंगे, और नहा करके हम लोग चलेंगे वहाँ पर मंदिर में दर्शन करेंगे, और मंदिर में दर्शन करने के बाद जो है फिर हम लोग देखेंगे आगे क्या करते हैं, क्योंकि एक दो प्लान साथ में आ रहा है। वो देखो उठ गया वो भी। तो सभी लोग जी यहाँ पर हो गए हैं तैयार, जिया भी उधर तैयार है, और क्रियांश जो है चाह रहा है लिफ्ट से जाने के लिए, और वो लिफ्ट के बिना नहीं चलेगा। लिफ्ट चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है लिफ्ट शायद। चलिए आइए ना, नीचे आइए ना, क्या उसका इंतजार कर रहे हैं? एक फ्लोर है, एक फ्लोर के लिए क्या हम लोग को चलना जी? आ जाओ, तो हम लोग चलते हैं जी। और आज जो है हम लोग चलेंगे खाटू बाबा के दर्शन करने के लिए, सारा सामान सब भी पैक है, अपना झोला सब लेकर के आए हुए थे, तो सारा झोला में सामान सब भर। तो हम लोग निकल चुके हैं खाटू बाबा के मंदिर के लिए, और यहाँ से है 7 मिनट का रास्ता, और ये है हमारा होटल। तो होटल से हम लोगों ने चेकआउट कर लिया, और सारा सामान जो है अपनी गाड़ी में रख दिए। तो यहाँ से देखते हैं 7 मिनट की दूरी पे होगा, तो पैदल जाएंगे या फिर ऑटो कर लेंगे। यहाँ ऑटो चलेंगे, हमारा ऑटो ऑटो वाले लेंगे 100 रुपया एक रिक्शे का। तो हम लोग बैठ गए टोटो में, और यहाँ से जा रहे हैं हम लोग खाटू बाबा के मंदिर, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जब लास्ट टाइम आई थी ना, तो मैंने सोचा था कि मैं फिर आऊंगी, तो अब चलते हैं दर्शन करते हैं। और कल ही शाम में मन था, लेकिन क्या होता ना, बहुत थक भी गए थे और बच्चे भी थे हमारे साथ, और हम लोग सोच रहे थे जी हम लोग मतलब खाली पेट वहाँ पर गए, और बिना खाए हुए जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, और वहाँ घर से निकले थे तो खाना खा के आए, खा के निकले थे हम लोग। अच्छा है जी, अभी जो है हम लोग अनुना है, और उसके बाद जो है नहा भी लिए हैं, और सीधा आप चलेंगे मंदिर में, वहाँ दर्शन करके उसी के बाद अपनी पेट पूजा होगी। तो हम लोग जी टोटो में बैठ करके आ गए हैं मंदिर के पास, और यहाँ पर जो है अपना कैश की दिक्कत हो रही थी, लेकिन कैश था पूजा जी के पास,
क्योंकि भाई साहब ने कहा था कि उनके पास जो UPI वाला सिस्टम नहीं है, तो हम लोग जी अब यहाँ चलते। दिया दुपट्टा कहाँ पर है? यहाँ हो गया दुकान, मिल गया। ये पंखा बड़ा प्यारा लग रहा है जी, एकदम छोटा सा, बड़ा काम का होगा ये पंखा। ये वाला पंखा कितना अच्छा, छोटा वाला, ये लड्डू गोपाल के लिए। लड्डू गोपाल के लिए, अच्छा वाह। तो हम लोग जी खाटू के दरबार पहुंच चुके हैं और उनके दरबार से कुछ देर पहले ही यहाँ पर दुकान है, वहाँ पर इत्र और उसके बाद क्या कहते हैं मोर का फूल, गुलाब का फूल, गुलाब का फूल इत्र ले लेंगे, मुझे ले लेंगे आपको ले लेंगे। और प्रयास महासेन ने क्या किया, इनका जो इत्र था यहाँ पर रखा हुआ था, इसको सब देख लिया। तो ये महासेन जो है अपनी हरकतें जो है करते रहते हैं, तो जल्दी से ले लिया जा। तो ये हमने ले लिया गुलाब, और उसके बाद ये मोर का पंख, और ये तो हम लोगों ने फूल, इत्र और मोर के पंख तो ले लिए, और इसके बाद बारी है दर्शन करने की। तो अभी बारिश होने लगा, बारिश में हम लोग जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास बच्चा है तो थोड़ा मुश्किल है, तो चलेंगे। बाकी ध्यान से बहुत दवाई बचा रहा है। तो हम लोग जी दौड़ते भागते हुए पहुंच गए हैं यहाँ पर। आप सोच रहे होंगे दौड़े भागे क्यों, क्योंकि बारिश होने लगी है जी बहुत तेज़, तो आपको दिखाते हैं पीछे, इतनी तेज़ बारिश चल रही है और हम लोग भागे भागे जो है वहाँ से आए। आने वाले हैं खाटू बाबा के दर्शन करने के लिए, और क्रियांश बेटा हमारा बहुत ज्यादा खुश है यहाँ पर। मैं एक चीज क्रियांश पे नोटिस की कि कोई भी मंदिर जाता है ना तो बहुत ज्यादा खुश रहता है। ये वो भी उन्हीं का है। चलते हैं। लाइन में लगे हुए हैं, अच्छी खासी लाइन है यहाँ पर। बारिश भी अभी भी जारी है, बहुत तेज़ बारिश है, और आगे जो है बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं जहाँ पर दर्शन करेंगे, तो चलते हैं। तो हम लोग जी बस मंदिर के करीब पहुँचने ही वाले हैं, और अच्छा खासा लाइन यहाँ पर लगा हुआ है। तो वहाँ देख सकते हैं बगल में मिठाई का भी ढेर सारा दुकान सब है, तो आप लोग चाहे तो इधर से भी जो है मिठाई ले सकते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मजा आ रहा है जी। तो कुछ ऐसा हाल है, हम लोग चल रहे हैं, पानी थोड़ा बहुत भर गया यहाँ पर, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। तो हम लोग ठीक जी खाटू बाबा का जो मुख्य द्वार है, हम लोग ठीक वहीं पर पहुँचे हुए हैं, और सामने खाटू बाबा हैं, और सभी लोग यहाँ पर गुलाब फूल चढ़ा रहे हैं, मोर का पंख चढ़ा रहे हैं, कितने भी तरह का चीज होता है, इत्र और प्रसाद सब कुछ चढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। अच्छा खासा भीड़ है यहाँ पर, तो चलते हैं। और क्रियांश को देखिए खुश कितना है, ये देखिए बहुत खुश है मेरा बेटा। तो अगर आपको जूम करके वहाँ दिखा पाए तो दिखा देते हैं। चले आगे, आगे बढ़ ही नहीं रहा। चलिए चलिए दर्शन तो कर लिया जी हमने, दर्शन करके दिया जल्दी चलो। तो दर्शन तो हो गया जी, दर्शन के बाद बारी है प्रसाद लेने की। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कौन सा प्रसाद लिया जाए, अलग अलग तरह का प्रसाद है। हलवा है क्या वो? ये आटे का है, आटे का हलवा, पता नहीं जो भी है, ठीक है ले लो ले लो।